लिसन केयरफुली, गौर से सुनेंगे जो बताने जा रहा हूं। न्यूज क्या है? दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात हुई भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी। क्या मतलब? बात है लद्दाख के सियाचिन की, शिवा चौहान की। ठीक है, ये फायर एंड फ्यूरी कोर की हमारी मिलिट्री विंग की सदस्य है। सियाचिन 15,632 फीट की ऊंचाई पर है सी लेवल से। कुल मिलाकर के सियाचिन को हमने अपने कब्जे में लिया क्योंकि वो पाकिस्तान उस पर उल्टा सीधा करने लगा था ऑपरेशन मेघदूत चला के 1984 में। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूं, यहां पर कुमार पोस्ट है, कर्नल कुमार के नाम पे है। अब कर्नल कुमार कौन थे? एक पर्वतारोही थे। ठीक है, ध्यान देंगे अब सारी बातों को। भारत के मिलिट्री के इतिहास में कोई महिला मिलिट्री विमेन सबसे ऊपर, सी लेवल से सबसे ऊपर, दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान बैटलफील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, जो लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में पड़ता है सियाचिन, या आप सीधा कहिए लद्दाख में पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर हमारा है, लेकिन पाकिस्तान इसमें घुसपैठ करने की कोशिश की 1984 में। हमने ऑपरेशन मेघदूत चला करके, ये समय था मिस्टर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर का, और मेघदूत ऑपरेशन चला करके पाकिस्तान को खदेड़ा ही नहीं और युद्ध भी हुए, एक स्मॉल युद्ध हुआ, और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मेघदूत, पहला पॉइंट। उसमें कर्नल कुमार हमारे शहीद हुए, लेकिन उनके बिना हो भी नहीं सकता था यह मेघदूत का कामयाबी। तो कर्नल कुमार को लोग प्यार से कुमार कहते। तो वहां पर एक चेक पोस्ट है और वो सियाचिन चेक पोस्ट का हेडक्वार्टर भी है, जिसका नाम है कुमार पोस्ट। इसी कुमार पोस्ट पे हमारी फायर एंड क्यूरी डिपार्टमेंट की एक महिला जांबाज तैनात हुई है, शिवा चौहान। तो दुनिया के सबसे ऊंची बैटलफील्ड पे तैनात होने वाली पहली महिला मिलिट्री वुमेन कौन? शिवा चौहान। कुमार पोस्ट सियाचिन, ऑपरेशन मेघदूत 1984। डन।